हाय, दिस इज़ सास प्रॉपर्टीज़। सास प्रॉपर्टीज़ आज आपके लिए लेके आए हैं 500 स्क्वायर यार्ड में सुशांत लुक 2 में 5 BHK बिल्डर फ्लोर। तो आइए लोकेशन की तरफ चलते हैं। ये आपकी कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, नियर 5556 की मार्केट, हांगकांग मार्केट, नियर गोल्फ कोर्स रोड, नियर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी की लोकेशन है, सेंटर ऑफ हार्ट है ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये आपका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, काफ़ी अच्छा वॉल सीलिंग वर्क, डेकोरेटिव आइटम्स एंड डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है। ये आपका प्रॉपर्टी का एलिवेशन है, एलिवेशन पे अभी वर्क चल रहा है, काम चल रहा है। ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, ये आपकी एंट्रेंस है, फ्रंट से एंट्रेंस है। ये फुली फर्निश्ड प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है, इंच टू इंच स्पेस का यूज़ किया है। एंट्रेंस करते ही राइट हैंड साइड पे आपका ड्राइंग एरिया है एंड ये आपका फॉल सीलिंग वर्क काफ़ी प्रिटी है। ये आपका मंदिर है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपका डाइनिंग एरिया है, काफ़ी अच्छे तरीके से रेनोवेट किया गया है। डाइनिंग एरिया के जस्ट सामने ही आपका किचन है। ये 5 BHK बिल्डर फ्लोर है। तो अभी हम बेडरूम्स देख लेते हैं। ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है, देन ड्राइंग एरिया या फिर लिविंग एरिया, देन बेडरूम नंबर 2, देन थर्ड बेडरूम, दिस इज द फोर्थ बेडरूम एंड लास्ट वन इज ये हमारा बेडरूम नंबर 5 है। तो अब हम किचन के सारे बेडरूम्स देख लेते हैं। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, काफ़ी अच्छी प्यारी वुडन फ्लोरिंग की हुई है। ये आपका UPVC विंडोज लगाई हुई है। सामने आपकी ये स्प्लिट AC की प्रोविजनिंग दी गई है, काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है। रूम साइजेस भी काफ़ी अच्छे हैं। ये आपका प्रॉपर ड्रेसिंग एरिया है एंड दिस इज़ योर अटैच वॉशरूम। काफ़ी अच्छे रूम साइजेस हैं और एज वेल वॉशरूम के साइजेस भी काफ़ी अच्छे हैं। ये आपकी फ्रंट बालकनी है जो कि रूम के साथ अटैच है, थोड़ा एलिवेशन पे वर्क चल रहा है अभी। ये आपकी फ्रंट बालकनी है, तो अब दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। ये आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ गया। ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में आपका ग्रे कलर का टैनियल बार्बर यूज किया गया है। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है, रेनोवेट बहुत प्यारे से किया गया है। ये आपका बेडरूम नंबर 2 है। ये आपके वार्ड्रोब्स हैं, 2 वार्ड्रोब्स दिए गए हैं एंड ये बेडरूम नंबर 2 के साथ अटैच्ड वॉशरूम है। ये आपका शावर एरिया है, ग्लास पार्टीशन है उसमें एंड नाउ रूम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये बेडरूम नंबर 3 है। रूम साइजेस 12x17, 12x15, 12x16 ये रूम साइजेस हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी को रेनोवेट किया गया है, फुल्ली फर्निश्ड प्रॉपर्टी है। अभी इसमें 3 फ्लोर अवेलेबल हैं। ये आपका वॉशरूम है एंड ये आपके वार्डरोब्स हैं, काफ़ी अच्छे से वार्डरोब्स को भी डिज़ाइन किया गया है। स्टोरेज काफ़ी अच्छा है। ये आपका शावर एरिया है फ्रंट में, इसमें अभी पार्टीशन लगना है, ग्लास पार्टीशन, फॉल सीलिंग, लाइटिंग, कलर कॉम्बिनेशन, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी को रेनोवेट किया गया है। ये आपका पूजा स्पेस है, मंदिर है ये आपका, काफ़ी प्यारा मंदिर है। ये किचन है,
किचन आपका 9x17 का किचन है, ये आपका फ्रिज स्पेस है फ्रिज के लिए, ये आपका मॉड्यूलर किचन है, चिमनी हॉब स्टोल्ड है, स्टोरेज बहुत अच्छा है, ब्लैक एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, ये स्टोरेज है आपका, इसमें काफ के चैनल्स यूज़ किए गए हैं, और ये राइट साइड में आपका डिशवॉश एरिया है, ये भी स्पेशियस, काफ़ी स्पेशियस किचन है एंड स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, एंड ये रियर बैल्कनी के साथ आपकी किचन कनेक्टेड है बैक साइड की बैल्कनी के साथ। ये आपका कॉमन वॉशरूम है फॉर योर गेस्ट्स एंड फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के लिए, ये इसे आप कॉमन वॉशरूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये आपका बेडरूम नंबर 4 है, आप सेम प्रॉपर्टी को विद फर्नीचर और विदाउट फर्नीचर भी परचेज कर सकते हैं। एंड ये इसके साथ वार्डरोब्स हैं, फुल लेंथ वार्डरोब्स दी गए हैं, और ये आपका अटैच वॉशरूम है, सामने आपका ग्लास पार्टीशन है, शावर एरिया, ब्रांडेड फिटिंग्स यूज़ की गई हैं प्रॉपर्टी में, काफ़ी अच्छा स्पेशियस वार्डरोब्स हैं, स्टोरेज काफ़ी अच्छी है। देन अब हम लास्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं, बेडरूम नंबर 5, दिस इज़ द लास्ट बेडरूम, ये भी काफ़ी स्पेशियस है, इस बेडरूम का साइज़ भी 12x18 है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग डिज़ाइंस एंड वुडन फ्लोरिंग, एंड दिस इज़ योर अटैच वॉशरूम। इस वॉशरूम, ये वॉशरूम ज़्यादा स्पेशियस है, सबसे बड़ा वॉशरूम है, ये आपका शावर एरिया है, साइड में दिया गया है, थोड़ा सा सामान है ये हट जाएगा, एंड ये बैक बैल्कनी के साथ कनेक्टेड है, ये आपका बैक साइड का व्यू है, इसमें टेरेस वाला फ्लोर भी अवेलेबल है, प्रॉपर टेरेस गार्डन में भी शायद बना के देंगे।